लोगों के लिए वुड और रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल से घर बनाना पुराना तरीका हो गया है, इसीलिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज का इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने में। जैसे लोगों ने ग्लास का इस्तेमाल करके घर बनाए हैं, बड़ी बिल्डिंग्स पूरी ग्लास की बनाई हैं, इसी तरह से लोगों ने कई अलग टाइप के घर बनाना शुरू किए हैं। और जो बहुत क्रिएटिव होते हैं वो अपने यूनिक आर्ट से काफी अलग टाइप के घर बना सकते हैं। ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्ट ने लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया है कि घर या बिल्डिंग्स ऐसे भी हो सकते हैं क्या, मतलब घर इसी शेप साइज और मटेरियल का होना जरूरी नहीं है, घर बनाने में कोई भी मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे ही कुछ अनोखे घर आज इस वीडियो में हम देखेंगे जिन्हें एक तरह से इको फ्रेंडली होम्स कह सकते हैं, क्योंकि ये घर वेस्ट मटेरियल यूज करके नई तरीके से बहुत ही खूबसूरत बनाए गए हैं। जैसे कि ग्लास बॉटल का घर, ओल्ड बोट का घर, टायर्स से बना घर, इसी तरह से घर बनाने में इन चीजों का इस्तेमाल किया है, साथ ही एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में देखते हैं ऐसे ही कुछ अनोखे तरीके से बनाए गए घर। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल द इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। हाउस मेड फ्रॉम ओल्ड बोट। बेंसन फोर्ड नाम की बोट फोर्ड कंपनी ने ईयर 1924 में बनाई थी। उसके बाद ईयर 1981 तक इस बोट को समुन्द्र में इस्तेमाल किया गया। ये बोट पुरानी हो जाने के बाद बेच दी गई थी। जिनको ये बोट बेची उन्होंने इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। बोट को रेनोवेट करके उसके 5 बेडरूम का घर बनाया। इस तरह एक नॉर्मल बोट का शानदार घर बनाया गया। हाउस मेड फ्रॉम ग्लास बॉटल। कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पे 3 घर हैं जो पूरी तरह ग्लास बॉटल से बनाए हैं, और ये ग्लास बॉटल का एक घर बनाने में 25,000 रिसाइकल्ड बॉटल्स का इस्तेमाल हुआ था। ये बहुत ही अनोखा तरीका है ग्लास बॉटल्स का रीयूज करने का, और वो भी इतने अद्भुत तरीके से। सोचिए ये ग्लास बॉटल का घर अंदर से कितना अमेजिंग दिखता होगा। हाउस मेड फ्रॉम शिपिंग कंटेनर। मलेशिया के सिडेंग में ये घर मटेरियल्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसमें मटेरियल को रिसाइकल करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ शिपिंग कंटेनर को घर जैसा डेवलप किया जाता है और घर अट्रैक्टिव दिखने के लिए उसे वाइब्रेंट कलर्स दिए जाते हैं। इस तरह से पुराने शिपिंग कंटेनर्स का मलेशिया में काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। हाउस मेड फ्रॉम ओल्ड टायर। सोचिए कि इतनी सारी गाड़ियां हैं, वो पुरानी हो जाने के बाद ऐसे ही पड़ी रहती हैं। इन गाड़ियों के टायर्स इस्तेमाल करके इससे घर बनाए गए, तो ऐसा इको फ्रेंडली हाउस इंग्लैंड में बनाया गया है। टायर्स को रिसाइकल करके उसका घर बनाने में इस्तेमाल किया है। ये घर देखने में भी कितना खूबसूरत और शानदार लगता है, साथ ही एनवायरमेंट में बनने वाला वेस्ट भी थोड़ा कम हो सकता है। हाउस मेड फ्रॉम ओल्ड पेपर्स। वैसे तो पेपर के इस्तेमाल से काफी रिसाइकल चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन पुराने पेपर से घर बनाना बहुत ही यूनिक आइडिया है। एली स्टेनमैन की हॉबी थी पेपर का इस्तेमाल से चीजें बनाने की, इसीलिए इस व्यक्ति ने अपने हॉबी से ईयर 1922 में न्यूज़पेपर के इस्तेमाल से घर बनाया, जिसे बनाने में न्यूज़पेपर काफी सारे लगे। और सिर्फ घर ही नहीं, घर के अंदर के फर्नीचर भी न्यूज़पेपर से बनाए गए। बहुत ही क्रिएटिव माइंड और स्किल्स यूज हुए हैं इस घर को बनाने में। तो ये थे कुछ घर जो वुड, पत्थर, सीमेंट के इस्तेमाल किए बिना दूसरी चीजों से बनाए गए हैं। ये बहुत ही इम्प्रेसिव बात है कि घर बनाने में वेस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने का ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। तो इससे जुड़ी आपके पास अगर और भी कुछ जानकारी होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।